आजकल एक ट्रेंड चला है, कहीं भी झूमने और ठुमके लगाने का ट्रेंड। कोई ऐसी जगह चुनी जहां वायरल होने की उम्मीदें ज़्यादा हैं और कर दिया डांस। इस बात से मिलती जुलती घटना का वीडियो सामने आया है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से, जहां एक लड़की ने मंदिर के भीतर डांस किया। आप इस मुगालते में पढ़ सकते हैं कि मंदिर है तो गाना धार्मिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़की ने मंदिर परिसर में ठुमके लगाने के लिए गाना चुना, सेकेंड हैंड जवानी। इतनी जानकारी के बाद आपके लिए समझना आसान होगा कि घटना पर खूब बवाल कटा होगा, कट ही रहा है। खबर की भाषा में कहें तो घटना पर खूब विवाद हो रहा है, और धर्म की भाषा में कहें तो भावनाएं आहत हुई हैं। मंदिर के महंत का तो सीधा कहना है कि लड़की के खिलाफ FIR होनी चाहिए। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। सबसे ज़रूरी बात, मंदिर के भीतर डांस करने वाली क्रांतिकारी लड़की का नाम आरती साहू, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स लगभग 25 लाख। यही सबसे डेलिकेट बात है, पूछिए कैसे। अब 25 लाख फॉलोअर्स हैं तो उनकी इंगेजमेंट भी बनाए रखनी है। आरती का एक यूट्यूब चैनल भी है, उस चैनल पर एक व्लॉग सीरीज भी मौजूद है जिसका नाम है कतई जहर। वापस लौटते हैं खबर पर। बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने आरती साहू के वीडियो का विरोध किया है। उनका तो ये कहना है कि ऐसी हरकत चंद पैसों और मशहूर होने के लिए की जाती है। वहीं आरती ने कई मीडिया समूहों से बात करते हुए कहा कि उनके डांस में अभद्रता या अश्लीलता नहीं है, वो पूरे कपड़ों में थी और जो कुछ भी किया तहजीब के साथ किया, उस वीडियो में कुछ भी अश्लील नहीं है। इसके अलावा आरती ने यह भी कहा है कि वो बचपन से ही उस मंदिर में वीडियो बना रही हैं। इतना कुछ कहने के बाद अंत में आरती ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन मंदिर में डांस का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नेटिजंस भी इस वीडियो पर कई तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। इस प्रतिक्रिया पर बजरंग दल की छतरपुर इकाई का कहना है कि आरती जैसी लड़कियाँ समाज को गंदा कर रही हैं, इस तरह के लोग हिंदू संस्कृति को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमारा संगठन ऐसे लोगों का हमेशा विरोधी करेगा। इस मंदिर के महंत भगवान दास ने भी आरती के डांस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मुझे गेट पर डांस की जानकारी नहीं है, ये वीडियो कब बना ये भी नहीं पता है, अगर ये वीडियो बना तो सरासर गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। ऐसा डांस करके अपनी इच्छा पूरी करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मठ मंदिर और आश्रम को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उस वीडियो में किया गया डांस मंदिर के भीतर नहीं था, उसके लिए बाकायदा एक ओपन स्पेस चुना गया था, जीब्रा क्रॉसिंग। उस वीडियो पर विवाद होने के बाद डांस करने वाली लड़की का कहना था कि उसने लोगों को जागरूक करने के लिए जीब्रा क्रॉसिंग पर वीडियो बनाया था। सही बात है, इंस्टा रील जैसी वीडियो बनाकर जागरूकता। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि भाव जो कुछ भी हो तरीका गलत था, इसलिए ट्रैफिक नियमों के आधार पर कार्रवाई होगी। इतना कुछ होने के बाद डांसिंग गर्ल ने चालान भी भरा था। खैर, क्रॉसिंग हो या मंदिर, जहन में एक सवाल तो आता ही है, नहीं आता तो सोचिए, मंदिर में डांस या क्रॉसिंग पर डांस, और इससे अवेयरनेस। जवाब मिले तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।